नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उधम सिंह के बड़े भाई साधु सिंह के जन्म के बारे में। 1894 में जब टहल सिंह यानी चूहड़ राम जब रेलवे फाटक की नौकरी कर रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी नारायणी देवी मतलब हरनाम कौर सरदारनी गर्भवती हुई थी। गर्भवती होने से वो बहुत खुश थी। वो ये सोच रही कम से कम जो पहले जब वो अपनी शादी के 13 साल बाद वो गर्भवती नहीं हुई थी तो उनके साथ की औरतें उन्हें बाज कहकर पुकारती थी, ऐसे अपशब्द से बुलाती थी। यह सुनकर सरदार ने हरनाम कौर यानी नारायणी देवी अपने मन ही मन उदास रहती थी, लेकिन वो किसी को बताती नहीं थी। अब कम से कम वो गर्भवती हुई थी तो वो इस बात से खुश थी कि बाज शब्द से उन्हें सदा सदा के लिए निजात मिल रही है। महीने बीते, दिन बीते, कुछ समय बाद 1894 में उन्होंने एक सुंदर सुशील बच्चे को जन्म दिया। बच्चा सुंदर था, लेकिन कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। उसी प्रकार वो बच्चा उदास स्वभाव का था, वो एकांत प्रिय था। वो एक घर के एक अकेले कोने में बैठकर अकेला ही खेला करता था। उसके पिता सरदार टहल सिंह कहते थे सरदारनी हरनाम कौर से कि तुम्हारा पुत्र साधु ही रहेगा, इसके स्वभाव से ऐसा लगता है। इस बात से हरनाम कौर अपने पति पर क्रोध दिखाती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही हरनाम कौर ने भी उसे साधु नाम से कहकर पुकारने लगी, क्योंकि वो साधु के जैसे अकेले रहना पसंद किया करते थे, इसलिए उनका नाम साधु सिंह पड़ गया था। जैसे ही साधु सिंह बड़े हुए, वो कहते हैं कि सुख के दिन कब व्यतीत हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसी प्रकार दोनों पति पत्नी नारायणी देव और चूहड़ सिंह का जब एक पुत्र भी हो गया तो उनकी नौकरी भी लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला 4 साल कैसे बीत गए। वो जहाँ पर पहले रहा करते थे छुआछूत, आधे पेट खाना खाके सोने से जहाँ उनको भरपेट खाना बिना छुआछूत के रहना मिल रहा है, साथ में उनके पुत्र भी हो गया है, तो खुशी के पल 4 साल कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।